हमारे साथ यहाँ 21 गन सैल्यूट के शोकेश पे रहते आशीष शर्मा। आशीष शर्मा जी, आपके पास एक यूनिक बाइक, सभी बाइकों से एकदम डिफरेंट अलग बाइक दिख रही है, तो आप इसके बारे में जरा हमें बताइए, आपको कहाँ से कैसे मिली? एक्चुअली मेरे फादर का नाम आशीष है। ओके। मैं उनका सन अनिरुद्ध हूँ। ओके, अनिरुद्ध हैं ये। ओके, राइट। और ये जो बाइक है ये एक्चुअली वर्ल्ड वॉर टू में सिर्फ वन टाइम यूज के लिए बनी थी। तो एक्चुअली जो पैराट्रूपर्स थे वो अपने प्लेन से इसको एक रस्सी पे बांध के नीचे आते थे, जंप करते थे। हाँ, जंप से पैराशूट से नीचे आकर फिर इसको वो जैसे ये जो डीकम्प्रेशर है इसको दबा के स्टार्ट करते थे। ओके। और फिर इसको इसको दबा के हमको भागना पड़ता है। अच्छा, तो अच्छा। तो इसको स्टार्ट करके अपने कैंप तक जाते थे। हाँ। तो ये जो हैंडल है ये नीचे आ जाता है और ये फोल्ड हो जाता है और ये सीट और नीचे हो जाती है। ओके, राइट। तो ये एकदम स्लीक सी बन जाती है। हाँ। और फिर इसको फोल्ड करके कहीं भी ले सकते हैं। हाँ, झाड़ियों में फेंक देते थे। फेंक देते थे, ये एक्चुअली फेंक ही देते थे सीधा, क्योंकि ये वन टाइम यूज के लिए थी। तो ये वर्ल्ड में कहीं 350-400 के आसपास बनी थी। okay. और इंडिया में ऐसे वर्ल्ड वॉर टू में टू में बनी थी। तो बहुत सारी तो ऐसी झाड़ियों में खराब हो गई, तो अब उनका कोई यूज तो था नहीं, बॉडी वॉडी सब गल गई। okay. तो अब जो इसको रीमेंटेन किया है कुछ इसको आपने? नहीं, स्टिल ओरिजिनल, स्टिल ओरिजिनल, ऑल थिंग्स ओरिजिनल, ओरिजिनल। दिस इज वर्किंग। ये बॉटल ओरिजिनल है। हाँ। एकदम आज तक हमने इसको कॉर्क भी नहीं बदला है। अच्छा, वेरी गुड। इसका आप कॉर्क भी देख सकते हो, थोड़ा खराब है, कंडीशन में है, बस थोड़ा सा यहाँ से टूटा हुआ है कॉर्क। वो भी इसलिए वो लोग तो बॉटल भी फेंक देते थे। फेंक देते थे। ओके। अपना जब वो पहुंचे उन्होंने इसको बंद करा, फोल्ड किया, पानी पी के बॉटल समेत फेंक दिया इसको। तो इसका कौन सा सन की मेकिंग है? ये 1942 की मेकिंग है। 1942 की। ओके, राइट। ये जो आप हेलमेट भी इसके साथ ही मिला था? हाँ जी, ये जो हेलमेट है ये देखिए, ये थोड़ा पेंट हटा हुआ है, ये जितने भी ये डेंट्स हैं ये सब ओरिजिनल है। ये राइट, इसको वेयर करो, पहनो, जरा पहन के दिखाओ। ये एक्चुअली इजीली आता नहीं है, मेरे तो आ जाता है। तुम्हारे आ जाता है, पापा के नहीं आ जाता। ये ऐसे पहन के वो लोग चलाते थे। एक बार बैठ के भी दिखाओ ना, बैठ के। ये क्या अभी उठा के लाए हो या इसको ड्राइव करके लाए हो? इसको एक्चुअली हमने गैरेज से निकाला, एक्चुअली हमने इसको अपने घर में किचन में रखा हुआ था। ओके। तो हमने इसको ठीक करा, मतलब वही कार्बोरेटर वगैरह ठीक करा। अच्छा। उसके बाद हमने इसको नीचे लेके गए, इसको हमने स्टार्ट करा, थोड़ा बहुत चलाया, फिर इसको गाड़ी में रख दिया, गाड़ी में लोड कर दिया और बाहर गाड़ी से अनलोड करके स्टार्ट करी और सीधा अंदर, सीधे अंदर आए। ठीक है, तो आप पढ़ते हो अभी? हाँ, मैं तो अभी पढ़ता हूँ। तो आपके फ्रेंड्स भी जब ये घर पे रहती है तो वो देखने आते हैं इसको? नहीं, वो लोग तो मुझसे रोज ही कहते हैं कि भाई चलना। अच्छा, वो भाई चलो के घुमा के देख के आते, चाहे आप घर में ही चलेंगे तो घर में ही चलाते। मैंने कहा नहीं भाई, जब पापा होंगे तभी चलाऊंगा। और आप मानोगे नहीं, मैं जब फर्स्ट में था तब पापा ने मेरे को ये दिखाई थी कि बेटा हमारे पास ये भी है, ये भी है। और तब से जो मेरे पास जो क्रेज था कि मैं ये जरूर चलाऊंगा, वो मेरा आज पूरा हुआ। आज पूरा हुआ है? आज पापा ने मेरे को फर्स्ट में ही सिखा दिया था। अच्छा, चलाई आपने? हाँ, पापा ने मेरे को फर्स्ट में ही सिखा दिया था कि क्लच को ऐसे रखते हैं, ऐसे रेव देते हैं। और मैं क्रेज में था कि चलाऊंगा चलाऊंगा चलाऊंगा, और आज पापा ने उतार के दी कि बेटा चला एक बारी। तो कैसा फील किया? मतलब मेरे को बहुत अच्छा लगा। वेरी गुड, वेरी गुड। ये मैंने फर्स्ट टाइम ड्राइव करी और मेरे को बहुत अच्छा लगा। तो वी होप के आपको बड़ा अच्छा है, आप हम प्राउड करते हैं, आप भाग्यशाली हो कि आपके पास वर्ल्ड टू की एक यूनिक मतलब ये आइकन है इस रूप में। इसका नाम क्या है इसका जो लिखा है? पैराशूट। पैराशूट। ये आर्मी। हाँ, ये एक्चुअली एक वेल बाइक है। ये आप इधर देखिए, ये जो स्टिकर से ये तो ओरिजिनल नहीं है, क्योंकि जो पुराने थे वो तो थोड़े खराब हो गए थे। तो हमने नहीं, ये तो हमने जब हम ये पहली रैली में लेके गए, वो हम HMCI की रैली में लेके गए थे, तब ये पापा ने लगाया था आगे। और मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ, ये भी इसी के साथ था। या स्टिल ओरिजिनल, स्टिल ओरिजिनल। वेल देन, दिस इज फाइबर एंड लाइक अंदर एक जाली है। हाँ। ताकि जो आप एक बार इसमें से देखने की कोशिश करिए,
अच्छा ये जो है ना ये राइडिंग समय बहुत अच्छा लगता है, राइडिंग समय बहुत काम आता है, विजन भी क्लियर आता है और कहते हैं आप देख भी सकते हैं क्लियर क्यों। और ये इसलिए पहनते थे क्योंकि जो डेजर्ट थे उसके अंदर तो मिट्टी बहुत उड़ेगी तो इससे वो नीचे चले जाते थे, अंदर भी नहीं जाती थी। और इस पे ये हेडलाइट स्टिल ओरिजिनल है, इस हेडलाइट का अभी हमने बस वायर कट करा हुआ है क्योंकि दिन का डिस्प्ले तो लाइट की तो कोई लाइट का तो कोई यूज नहीं है। हेलमेट ओरिजिनल, ये दो टैंकीज हैं एक्चुअली, ये देखिए एक्चुअली ये सिस्टम अभी हमने बंद करा है और ये वाली टैंकी एडिशनल टैंकी लगाई है हमने। ओके मतलब 1x1 इसमें पेट्रोल आप हाँ ये एक्चुअली इसके अंदर पेट्रोल भर लेते हैं उसके बाद हम इसको ऐसे पंप करते हैं। एक सेकेंड तो भारी आ गया। अच्छा तभी स्टार्ट होगी ये? नहीं नहीं इससे पेट्रोलिंग होती है। हाँ, इसको ऐसे वन सेकंड मैं इसको लगा दूँ। इसको मेंटेन करना भी बहुत मुश्किल है। हाँ, ये जितना इजी लगता है इतना है नहीं, है नहीं। ये पहले मेरे को भी बहुत इजी लगती थी। ये सिस्टम जस्ट लाइक वो स्टोव होता था ना वो या ये इसको ऐसे करके हम पंप करते हैं तो यहाँ से एक यहाँ से पेट्रोल इस टैंकी में जाते है और ये टैंकी इंजन में सप्लाई करती है वेरी नाइस डिफरेंट। इसकी टेक्निक्स है जो है पंप करके पूरा जो ऑयल इस तरह से ये पूरा इंजन में जाता है तो एकदम डिफरेंट इसकी टेक्निक है। ये जो साइलेंसर है साइलेंसर इसका हाँ और इसमें मेरे को भी पहले लगता था कि इसके अंदर से बहुत कम धुआं निकलेगा लेकिन जब मैंने लाइन बनती हुई गई थी अच्छा वेरी गुड यानी कि वो ये एक्चुअली क्या हो जाती है ये हैंडल आ जाएगा नीचे एकदम यहाँ जब ये टैंकी हम हटाएंगे तो यहाँ लग जाएगा ये दोनों हैंडल्स। एक सेकेंड कोई नहीं आप खोलो मत इसको। और तो इसका वेट अभी कब किया है कितना इसका लगभग वेट होगा? इसका वेट लगभग है 18 to 20 केजीज का है और इसका कोई स्टैंड नहीं होता। इसका तो स्टैंड नहीं होता जैसे आप वहाँ एक बाइक देख सकते हैं उसके अंदर डबल स्टैंड लगा रखा है वो उन्होंने एडजस्ट करा है लेकिन इसके अंदर हमने कोई एडजस्टिंग नहीं करी, हमने कहा ओरिजिनल रखेंगे। ये हमने अलग से ये डब्बा बनवाया दूसरों को भी एंजॉय कराते रहें दिखाते रहें। थैंक यू सो मच वेलकम।